रायबरेली में अभी लेखपालों और वकीलों में यहाँ पर कलेक्ट्रेट में काफ़ी झंझट हुआ, उसको लेकर यहाँ के सारे वकील अभी प्रदर्शन कर रहे थे, तहसील तक गए। देखते देखते ये एक काफ़ी रूप बदल गया था यहाँ पर, और इन्होंने आरोप भी लगाया है SDM सदर पर कि इन्होंने की जो कार्यप्रणाली है काफ़ी ख़राब है, लगातार इस तरह के माहौल दिखाई देते हैं। अभी मैंने ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, महामंत्री जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लेखपाल ने के द्वारा मारे गए हैं या कुछ घटना हुई है, SDM को और DM को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ के SDM को हटाना चाहिए। इसको लेकर यहाँ के जो बार एसोसिएशन के वकील हैं और भी कलेक्ट्रेट के सभी लोगों ने इसका विरोध किया है और आगे इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन जिलाधिकारी से। सुरेंद्र सिंह भदौरिया, अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन। एक हमारे अधिवक्ता रमेश कुमार यादव जी हैं, वो पुरानी कलेक्ट्रेट में कुछ अपने व्यक्तिगत कार्य से गए थे, उनको धान की पर्ची उर्ची पे कुछ रिपोर्ट लिखवानी थी, तो वहाँ जो लेखपाल थे संबंधित, उन्होंने उनसे कहा कि आप सिस्टम से आइए। तो वकील साहब ने कहा कि सिस्टम क्या है, तो कोई उसका दलाल वाला बाहर था, उसका नाम लिया और बोले उससे जाके मिल लो, जिसका उन्होंने प्रतिवाद किया, इसी में तूतू मैं हो गई। तो वकील साहब ने SDM को सदर साहब को फ़ोन किया और घटना की सूचना दी। SDM साहब मौके पर आए, उन्होंने मामले को सुलझाने के बजाय हमारे अधिवक्ता के साथ मिसबिहेव किया, उनके साथ जो होमगार्ड थे उन्होंने भी मारपीट किया। ये बहुत इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और जिला प्रशासन से हमारी मांग है कि ऐसे SDM को और संबंधित अधिकारियों को तत्काल यहाँ से हटाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। जो आदमी गलत काम करेगा वो कैसे फेस करेगा, तो आप मीडिया वाले आप समझ सकते हैं, अगर हमने गलती की है तो हम आपको फेस नहीं कर सकते, फेस वही कर सकता है जो सही होता है। आप लोग कहां तक गए? हम लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में घूम के प्रदर्शन किया है और अपनी बात रखने का प्रयास किया है, और तहसील भी गए थे, तहसील में प्रदर्शन किया गया। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी जिला प्रशासन से मांग है जो घटनाक्रम हुआ है वकील साहब की तहरीर लिखी जाए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उन्हें तत्काल यहाँ से हटाया जाए। जिलाधिकारी शशिकांत शुक्ला, एडवोकेट, महामंत्री, सेंट्रल बार एसोसिएशन। क्या मामला अभी जो चल रहा था, एडवोकेट प्रदर्शन कर रहे थे, किसके खिलाफ चल रहा था, क्या? मैं बता दूं, मैं इस मामले का प्रत्यक्षदर्शी भी हूं। मुझे फ़ोन पे मेरे एक अधिवक्ता भाई ने सूचना दी, मैं जा भी रहा था जहां पर ये आवासीय परिसर है लेखपालों के, वहीं पर आगे मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल है जहाँ मेरा काम है, मैं उस रास्ते पर ही था, तभी मुझे फ़ोन आया कि अधिवक्ता रमेश यादव को बुरी तरह से लेखपाल और संरक्षण था SDM साहब का, उनके संरक्षण में पीटा जा रहा है। मैं मौके पर पहुंचा तो मेरे अधिवक्ता का कालर पकड़े हुए थे SDM साहब और पीछे से एक होमगार्ड हाथ चला रहा था। मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने किसी तरह से बीच बचाव करने का प्रयास कराया, उसके बावजूद भी चार पांच जो लेखपाल है जो मुझे नहीं पहचानते थे उसके बाद भी हमलावर थे वो। जब कई उन लोगों को पता चला नहीं सेंट्रल बार महामंत्री है, तब ये लोग इधर उधर हुए और उस जो दोषी होमगार्ड का जवान था उसे तुरंत वहाँ से बैठाल के हटाया गया। उसके बाद भी SDM साहब बहुत ही आक्रामक थे, जब भीड़ बढ़ी है एडवोकेट्स की तब वो अपनी गाड़ी में बैठ के गए हैं। SDM साहब के बारे में पहले भी कई शिकायतें आई हैं जब लालगंज में भी थे। जी जी जी। और लेखपाल के बीच में मारपीट हो गई, किस लिए मारपीट हुई और क्या अब तक समाधान निकालेगा? मारपीट नहीं, अभी तो जो संघर्ष के जो अभी दोनों पक्षों से जो वार्ता प्राप्त हुई है उसमें यही आया है कि किसी बात को लेकर के बहस हुई है और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उनको कुछ खींचा खाची हुई है, लेकिन अभी दूसरे पक्ष को भी हम लोग सुन लें, उसके उपरांत इसमें जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हो पाएगी।